तो आज है 24 फरवरी 2023 और आज से ठीक एक साल पहले इसी दिन रशिया ने यूक्रेन के ऊपर हमला कर दिया था। और उस वक्त शायद ये किसी को अंदाज नहीं था कि ये लड़ाई एक साल से ज्यादा दिन तक चलेगा। अब ये कितना ज्यादा होगा ये तो अभी भी कोई नहीं बता सकता, लेकिन इस एक साल में हमें बहुत सारे जियोपॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिला है। जैसे यूरोप का रशियन ऑयल एंड नेचुरल गैस के ऊपर डिपेंडेंसी खत्म होते हुए देखना, रशिया और ईरान के बीच रिलेशनशिप इम्प्रूवमेंट होते हुए देखा है हमने, वेस्टर्न कंट्रीज की हिपोक्रेसी और साथ ही इंडिया और रशिया के बीच रिलेशनशिप एक्चुअली किस लेवल तक है ये दुनिया ने देखी है। और ये सिर्फ इंडिया और रशिया ही नहीं, रशिया और चाइना के केस में भी सेम है। और इसके अलावा भी दुनिया ने बहुत सारे नेगेटिव चीजों को सामना भी किया है, क्योंकि एक लड़ाई तो कभी सिंबल ऑफ पॉजिटिविटी नहीं हो सकता। इस लड़ाई के वजह से अभी तक तो रशिया ने यूक्रेन का लगभग 20% हिस्सा कब्जा कर लिया है। डेटा के हिसाब से अभी तक तो रशिया के 300,000 सैनिक मारे गए हैं या फिर घायल हुए हैं। वही दूसरी ओर यूक्रेन ने अपना 200,000 सैनिकों को गंवाए हैं। अब इसका एक्चुअल डेटा तो कोई नहीं बता सकता, लेकिन अलग अलग न्यूज आउटलेट में आपको अलग अलग नंबर दिख जाएगा। इसके साथ ही 8,000 से ज्यादा यूक्रेनियन की मौत भी हुई है और लगभग 1.5 करोड़ लोगों को यूक्रेन से भागना भी पड़ा। अब अगर इकोनॉमिक लॉसेस की बात किया जाए तो 8,00,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है यूक्रेन को अभी तक, और ये शायद आगे भी चलता रहेगा। और 32,00,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान तो पूरे दुनिया को हो चुका है। 20 करोड़ लोग इस युद्ध के कारण भूखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। और वहीं यूएस ने अभी तक $46 बिलियन उड़ा दिया है यूक्रेन में, और दूसरी ओर रशिया ने अभी तक $24 बिलियन खर्चे हैं इस युद्ध में। अब खर्चा चाहे जितने भी हो पर कोई भी देश पीछे हटने के लिए राजी नहीं है। पुतिन का कहना है कि वेस्टर्न कंट्रीज ने इस लड़ाई को शुरू किया है और हमें इसे रोकने के लिए मजबूर होना पड़ा है। वहीं दूसरी ओर यूएस एंड वेस्टर्न कंट्रीज ने आखिरी वक्त तक यूक्रेन का साथ देने का वादा किया है। अब इस लड़ाई की अगर बात करें तो जेलेंस्की के एक जीत के कारण आज पूरे दुनिया को ये सब कुछ फेस करना पड़ रहा है। वो अगर नेटो का जीत पकड़ के ना बैठते तो शायद ये सब कुछ रुक सकता था।